डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। एग्जांपल में हमें दिया है कि फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू sec 2x। तो इस मेथड से एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप के हिसाब से हमें क्या करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे करना है वो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले लेक्चर्स में समझाया ही है। सो एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो एम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस 4। सो एम इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2i। तो ये जो दो रूट्स मिल रहे हैं m1 2i एंड m2 माइनस 2i, वो कैसे रूट्स है, कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरह से लिखेंगे, ई रेस टू पी एक्स सी वन कॉस क्यू एक्स प्लस सी टू साइन क्यू एक्स। अभी हम यहां पर m इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, p प्लस आई क्यू। ओके, यहां पर हमें आंसर मिल रहा है 2i। तो यहां पे p की वैल्यू क्या है 0 और q की वैल्यू क्या है 2। सो यहां पे होगा e रेस टू 0x इंटू सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन 2x। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन is equals to e raised to 0x means e raised to 0 और e raised to 0 होता है 1। so c1 cos 2x plus c2 sin 2x। अभी मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर y1x एंड y2x। तो यहाँ पे हमें c1 के साथ जो टर्म मिलेगा उसे हम बोल देंगे y1x, तो वो होगा cos 2x। और C2 के साथ जो टर्म मिलेगा उसे हम बोल देंगे Y2x, तो Y2x होगा sin 2x। ओके, अभी स्टेप 2 के हिसाब से हमें क्या करना है, रॉन्स्कियन फाइंड करना है। सो W Y1 Y2x इज इक्वल्स टू, यहां पर होगा Y1x Y2x y1 dash x एंड y2 dash x। ओके, तो डिटर्मिनेंट y1x क्या है cos 2x, y2x क्या है sin 2x, y1 dash x cos 2x उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 2 sin 2x। ओके, y2 dash x यानी कि y2x का डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2x। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, यहां पर होगा 2 cos square 2x माइनस माइनस 2 sin square 2x। तो ये होगा 2 cos square 2x प्लस 2 sin square 2x। 2 कॉमन निकल जाएगा, सो cos square 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। अभी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1। सो रॉन्स्कियन हमें क्या मिलेगा 2। ओके, अभी स्टेप 3 के हिसाब से हमें क्या करना है, ux की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूं, y1x cos 2x y2x sin 2x and Wronskian 2। तो यूएक्स का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस इंटीग्रेशन वाई टू एक्स इंटू आर एक्स अपॉन डब्ल्यू डी एक्स. सो माइनस इंटीग्रेशन वाई टू एक्स की वैल्यू हमारे पास है साइन टू एक्स इंटू आर एक्स, यानी कि यहां पे एग्जाम्पल में राइट हैंड साइड पर जो टर्म दी है वो तो वो क्या है सेक टू एक्स अपॉन डब्ल्यू यानी कि रॉन्स्कियन वो कितना है टू डी एक्स. सो माइनस इंटीग्रेशन साइन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स यानी वन अपॉन कॉस टू एक्स अपॉन टू एज इट इज डी एक्स. सो माइनस इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स टेन टू एक्स अपॉन टू डी एक्स. ओके. So ux is equals to minus 1 upon 2 into tan 2x का इंटीग्रेशन होगा log sec 2x, 2x का फिर से so by 2. तो ux की वैल्यू हमें क्या मिलेगी minus 1 upon 4 log sec 2x. तो मैं यहां पर ux की वैल्यू लिख लेता हूं. ओके okay? अभी स्टेप 4 के हिसाब से हमें Vx की वैल्यू फाइंड करनी है. सो Vx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y1x इंटू आर एक्स अपॉन डब्ल्यू. सो इंटीग्रेशन y1x की वैल्यू है cos 2x इंटू आर एक्स की वैल्यू है sec 2x अपॉन रॉन्स्कियन 2. सो इंटीग्रेशन cos 2x इंटू sec 2x यानी 1 अपॉन cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx. cos 2x कैंसल. सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 dx. तो इसका इंटीग्रेशन होगा x बाई 2. तो हमें bx की वैल्यू क्या मिली x बाई 2. अभी स्टेप 5 के हिसाब से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा ux इंटू वाई वन एक्स प्लस वी एक्स इंटू वाई टू एक्स. यू एक्स की वैल्यू हमें मिली है माइनस वन अपॉन फोर लॉग सेक टू एक्स इंटू वाई वन एक्स कॉस टू एक्स प्लस वी एक्स की वैल्यू है एक्स बाई टू इंटू वाई टू एक्स साइन टू एक्स. तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल. मान लीजिए कि आपको ऐसा बोला हो कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू sec 2x. तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी लिखना है. तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp. yc यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और yp यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिला था c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस yp की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन अपॉन फोर लॉग सेक 2x इंटू कॉस 2x प्लस x बाई 2 sin 2x. ओके. आई होप ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.